प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में जियो वर्ल्ड कॉन्वेक्शन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने पूरे विश्व का ध्यान भारत में बढ़ते डिजिटलाइजेशन की तरफ आकर्षित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बीते एक दशक में ब्रॉडबैंड यूजर 6 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गए हैं। आज 18 साल से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय होगा जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड नहीं होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी हाथों में रिमोट लेकर खुद वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कर रहे हैं। वीडियो में वहां खड़े विशेषज्ञों से टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेते हुए समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। उनके हाव भाव से पूरी तरह से जाहिर हो रहा है कि कितनी तन्मयता और रुचि के साथ वो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। बीते सालों में भारत में टेक्नोलॉजी के स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। भारत के लिए ये बेहद गर्व की बात है कि पिछले 10 सालों में यूरोपियन यूनियन की आबादी के बराबर भारत में लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक में मोदी ने आगे कहा कि एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी को देखकर हैरान होते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी उतने ही हैरान होते हैं। 10 साल में फिनटेक स्टार्टअप में 500% की वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डाटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन अब लोगों की उंगलियों पर रहता है। पीएम मोदी ने भी यूपीआई की तारीफ करते हुए कहा कि जनधन आधार और मोबाइल की इस ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसपोर्टेशन की गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग, आज दुनिया का करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। आज पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटलाइजेशन की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहलू साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल एजुकेशन की तरफ भी सबका ध्यान आकर्षित किया और इसके साथ ही साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की है। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी हर जरूरी कदम उठाने की बात की गई। फिलहाल इस वायरल वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।